एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं, वो देशभक्ति का अभिव्यक्ति करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी समाज के लोग इनके जीवन को बारीकी से देखें तो उन्होंने अपने परिवार में जनसंख्या वृद्धि से अपने आप को बचा करके परिवार की कितनी सेवा की है। देखते ही देखते एक दो पीढ़ी में ही परिवार कैसे आगे बढ़ चल गया है, बच्चों ने कैसे शिक्षा पाई है, वो परिवार बीमारी से कैसे मुक्त है, वो परिवार अपने प्राथमिक आवश्यकताओं कैसी बढ़िया ढंग से पूरा करता है। हम भी उनसे सीखें और हमारे घर में किसी भी शिशु को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है, क्या मैं उसको समाज के भरोसे ही छोड़ दूंगा, मैं उसको उसके नसीब पे छोड़ दूंगा। कोई मां बाप ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपने बच्चों को इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होने वाले फिर भी बच्चों को जन्म देता रहता हो। और इसलिए एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ये बहुत बड़ी भूमिका अदा की है उनके सम्मान की आवश्यकता है और उन्हीं के प्रयासों के उदाहरण लेकर के समाज के बाकी वर्ग जो अभी भी इससे बाहर है उनको जोड़ करके जनसंख्या विस्फोट, इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। सरकारों ने भी भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत आगे आना होगा, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, हर किसी ने इस दायित्व को कंधे से कंधा मिलाकर के, हम अस्वस्थ समाज नहीं सोच सकते, हम अशिक्षित समाज नहीं सोच सकते। 21वीं सदी का भारत चाहे सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य व्यक्ति से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है, अगर आबादी शिक्षित नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है तो न वो घर भी सुखी होता है न वो देश भी सुखी होता है। जन आबादी शिक्षित हो, सामर्थ्यवान हो, स्किल्ड हो और अपनी इच्छा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त माहौल प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध हो तो मैं समझता हूं कि देश इन बातों को पूर्ण कर सकता है।